हे गाइस वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में न्यू रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि वैकेंसीज आपकी आउट की गई है ONGC से, यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड से। आप सबके लिए वेरियस पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप की भर्ती आई है, जैसे कि ऑल इंडिया के मेल एंड फीमेल यानी कि गर्ल्स एंड बॉय दोनों अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छी खासी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बिल्कुल NAPS के तहत ही आपकी वैकेंसीज आउट की गई है। तो चलिए इस वीडियो में फुल डिस्कस करने वाले हैं, साथ में जानेंगे कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस आपका क्या होगा, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस का, जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह लेटेस्ट जो गवर्नमेंट जॉब की अपडेट इस चैनल पर दी जाती है, आप निरंतर इस पर बने रहिएगा, तो आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगी। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फुल जानकारी इस वीडियो में। इससे पहले मैं बता दूं, जितने भी कैंडिडेट ITI पास आउट हो चुके हैं, रिक्वेस्ट करता हूं आपको अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर लें गाइस, क्योंकि आने वाले समय में बता चुका हूं पहले भी कि अब जो भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज आएगी, मोस्टली वैकेंसी आपकी NAPS के तहत ही आने वाली है, जिसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको जारी नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, हालांकि कोई न्यूज़ पोर्टल है जो कि आपको जानकारी दे दे कि यहाँ पर वैकेंसीज आई है, जैसे कि NDTV वगैरह, फिर आपका अमर उजाला हो गया, हिंदुस्तान हो गया, ये सबसे आपको जानकारी मिल सकती है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नजर नहीं आएगी, ना ही उसकी कोई नोटिफिकेशन जारी होगी। तो हम रिसर्च करके गए, जिस तरह की अपडेट आप सबके लिए लाते रहते हैं, काफी ज्यादा समय लगता है सब रिसर्च करने में। तो जितने भी कैंडिडेट मैं रिक्वेस्ट करता हूं अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर देखिएगा, और जहां से भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकल रही है अप्लाई जरूर करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो महत्व होगा आपका सर्टिफिकेट का होगा। अब कहां से कर रहे हैं डज नॉट मैटर, केवल रेलवे को अलग करके मैं, क्योंकि रेलवे का अलग मुद्दा है, रेलवे से करते हो तो आप रेलवे में रिजर्वेशन का क्रिटेरिया दी जाती है, बट अदर से करेंगे तो अदर का जितने भी कैंडिडेट यहां पर करेंगे तो उसी कंपनी में यानी कि उसी डिपार्टमेंट में आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो बेनिफिट्स होगी। अदरवाइज जितने भी कैंडिडेट प्राइवेट में जाना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप करके एज एक्सपीरियंस के थ्रू आप रिवील कर सकते हो, तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज वाली जॉब इस लॉकडाउन में भी आपको मिल सकती है। तो समय न गंवाएं, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रही हो या फिर मिल रही हो तो ज़रूर करें, मेरी रिकमेंडेड आपसे यही होगी, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट की अपनी राय एंड अपना फैशन होता है, अपनी सेटिस्फाइडेशन होती है, तो आप पे निर्भर करती है गाइस, आपको अपने राह को अपने अपने मंजिल को किस ओर मुड़ना चाहते हैं। तो मेरी जो रहेगी जो हेल्प करने की टोटली में राइट गाइडेंस आपको करूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है इसकी वीडियो मैंने डिटेल वाइज बताया है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें, सक्सेस दिलीप की वीडियो मिलेगी, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं और अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अदरवाइज आपने कर रखी है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं, सिंगल वे आपका चलेगा। अब अगला प्रोसेस क्या है, तो रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर। उसके बाद लॉगिन करने के लिए, जो लॉगिन करते हैं रजिस्ट्रेशन करते समय ईमेल ID अपने एंटर की थी, ईमेल ID यहाँ पे फिल कीजिए, एंड पासवर्ड जो क्रिएट किया था वो पासवर्ड एंटर करने के आपको टर्म एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करनी है, देन आपको यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड प्रोफाइल वगैरह ओपन हो जाएगा, देख लीजिएगा गाइस, प्रोफाइल है ना अपडेट करते रहिएगा, जिससे भी आपकी क्वालिफिकेशन अपडेटेड की जाती है, एज वगैरह या फिर आधार कार्ड का आपका सुधार होता है, तो इस तरह से अपडेट करते रहिएगा, ये आपकी प्रोफाइल है गाइस, एक तरह की आपकी ये अकाउंट है, आपको ये मैनेज करके चलना होगा, आप गवर्नमेंट के थ्रू ये आप बना चुके हैं, तो ध्यान से इसे आप एक दो बार लॉगिन करके आप अच्छे से चेक भी करते रहिएगा। तो चलिए हम खोजते हैं यहाँ पर अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज पे क्लिक कीजिएगा 3 डॉट के बाद, यहाँ पर जो सर्च लोकेशन जो दिखाई दे रहा है इस जगह पे केवल आसाम आपको सर्च करना है, अदरवाइज जो भी यहाँ पर वैकेंसीज होगी टोटली यहाँ पे दिखाई दे जाएगी, तो आसाम आपको यहाँ पे सर्च करना है। आसाम सर्च करते देख सकते हैं आसाम आ चुका है। आसाम आने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपको नीचे आना है, तो देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी जो भी ओपनिंग है आपको शो करेगी यहाँ पर, जो कि नीचे आने पर सबसे पहला निकल गया तो पोस्ट है सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं AAFB जो कि EA है स्टेन वाली, और ONGC सिल्चर, ये सिल्चर से ही वैकेंसीज आपकी आउट की गई है। नेक्स्ट फिर आएगी आपकी जो है इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट है, देन यहाँ पे मैकेनिक डीजल की है, और उसके बाद आपको मिल जाएगी देख सकते हैं,
तो गाइस पोस्टें सारी आपकी शो करेगी, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, मैकेनिक डीजल है, उसके बाद आपको यहाँ पे मशीनिस्ट मिल जाएगी। आप देख सकते हैं ये भी असम की एसेट से निकाली गई है। और नेक्स्ट आपकी मिलेगी असिस्टेंट एचआर की वैकेंसी है, बस यहाँ तक वैकेंसी है असिस्टेंट एचआर तक ही, क्योंकि इसकी अप्रैल जो पोस्टिंग है 1 अप्रैल 2021 से लेकर लास्ट तक कल तक पोस्ट की गई है। देख सकते हैं 27 अप्रैल 2021 यानी कल शाम तक ये पोस्ट की गई है, तो 27 अप्रैल तक है। होपफुली एक दो पोस्ट और आ जाए, उसके बाद देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद फीडर आएगी, वेल्डर आएगी और टर्नर आएगी। ये तीन पोस्ट आज अपडेट हो जाए या फिर कल अपडेट हो जाए, उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा। सभी अप्लाई कर सकते हैं, फीडर और वेल्डर और टर्नर, ये तीनों के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिशियन देख सकते हैं अपडेट हो गया है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप व्यू कर लीजिएगा, देख सकिए जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी है, हम व्यू सेक्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये चलिए हम व्यू कर लेते हैं। यहाँ पर व्यू से आपको पता चलेगा आपका कहाँ पर होने वाला है। आप देख सकते हैं ये एड्रेस है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडर टेकिंग कंपनी है। यहाँ से ओपनिंग स्टेट, कितना दिन आपको काम करना, 5 डे आपको काम करना है। नंबर ऑफ ओपनिंग वैकेंसी 5000 है। इसमें जो स्टाफन मिलने वाली आपको 8000 से लेकर 8050 रुपये मिलती है, यानी 8000 सिंपल आपको सैलरी स्टाफन इसमें पर मंथ मिलेगी। 10th पास वाले अप्लाई कर पाएंगे। जो ड्यूरेशन होगी गाइस, वहाँ पर 1 साल की ही ड्यूरेशन होगी। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर दी जाती है, क्योंकि जो 23 मंथ बताया गया है ये 10th के अकॉर्डिंग ही बताया जाता है। तो आप अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर ITI के भी आपसे, तो आपकी 6 मंथ से लेकर 17 मंथ, इसका मतलब टेन्योर आपकी 12 मंथ ही, उससे ज़्यादा नहीं होगी, 1 साल की टेन्योर आप होने वाली है। चलिए आप लगा कि मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, अप्लाई करने के लिए अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी पर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी सेक्शन पे क्लिक करते हैं, आपको ऐड लोकेशन मंगा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि कछार लिखा गया है, आप इस पर क्लिक करके ओके कर दीजिएगा। ओके करते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है, देख सकते हैं अप्लाइड सक्सेसफुली हो चुका है। अब मान ले सकते हैं कि मान लीजिए मेरा सलेक्शन हो जाती है, कैसे पता करें, तो डैशबोर्ड पर आना है, सेक्शन पर क्लिक करें और डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर इन्विटेशन आपका शो करेगा। देख सकते हैं यहाँ पर 24 एप्लीकेशन हो चुका है, और कहीं से आपको इन्विटेशन आती है तो यहाँ पर इन्विटेशन रिसिप्ट में क्लिक करें, और क्लिक करने पर आपको उस जगह पे बता दिया जाएगा कि यहाँ से आपको इनविटेशन आ चुकी है। जैसे अभी हाल ही में ये कैंडिडेट को मिला, आप देख सकते हैं धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड है और 26 अप्रैल ये पेंडिंग है, यहाँ पर ये चाहते हैं तो अप्लाई कर सकती है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको आ जाएगा ONGC से, तो आपको उसके बाद DV होगा, जो वहाँ जाने के बाद DV के बाद मेडिकल, देन आपकी जो ट्रेनिंग है स्टार्ट हो जाएगी। तो होपफुली गाइस बेसिकली इसी तरह का प्रोसेस होता है फॉर्म फिल करने का। जो भी कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, रिक्वेस्टेड है ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी खासी होगी आप सबके लिए। होपफुली वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक और गाइस, अगर इस तरह की आपको अपडेट अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे आपको पता चलेगा, मुझे ये मोटिवेशन मिलती है किस तरह की अपडेट जो NAPS के तहत निकाली जाती है स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं, मैं उसको रिसर्च करके बताता हूं, तो काफी अच्छी है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज वाली वीडियो। चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप, मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिक्रूटमेंट की डिस्कस करने जा रहे हैं।